कुछ लोग आज इसे अपनी धर्म की आड़ में, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में ये दंगे भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आप अपनी मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के बाहर, गिरजाघरों के बाहर, चर्च के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक महीने से अजान का विवाद चल रहा है और कुछ लोग इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना के अपनी राजनीति में मसाला डाल डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जो 2005 का जजमेंट है, और जो इसमें पेटिशनर थे प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स। ये बेंच थी सीजीआई आरसी लाहौटी जी की और इसका नंबर था 3735/2005। अब मैं ये बता दूं, कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें ये जजमेंट में कहा गया है कि जो मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगे हैं उसे निकालने के लिए कहा गया है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। मैं आपको ये पढ़ के थोड़ा सा हल्का बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में क्या है। द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल सबमिटेड that the government does not propose to widen the scope of exemption either by increasing the number of days or by enhancing the duration of hour of exemption. In spite the exemption being granted, मतलब इसमें छूट दे दी जाती है, the government would take care to see the noise level does not exceed prescribed decibel limit. मतलब उसमें साफ जाहिर कहा गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है कि उन्हें एक स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, अपनी मस्जिदों के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है और उसमें यह बताया गया है कि आवाज को कम मात्रा में जो डेसिमल पॉइंट है उसमें इस्तेमाल कीजिए, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया है। अब मैं ये बताता हूं कि इसमें कृष्णा ने क्या कहा, मुस्लिम के जजमेंट में क्या कहा गया और हिंदू कम्युनिटी के बारे में क्या कहा। क्रिश्चियन कम्युनिटी में यीशु कहते हैं, जब शिशु ने बाहरों को इकट्ठा किया तब उसने उन्हें सब दुष्ट माताओं को निकालने की शक्ति और अधिकार दिया और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमार को चंगा करने के लिए उन्हें भेजा। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी में कहा गया है। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कहा गया है कि पवित्र कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलियदीन, तुम्हारा धर्म और विश्वास तुम्हारे लिए है और मेरा धर्म और विश्वास मेरे लिए है। यह कभी नहीं कहता कि कोई उपयोग करके दूसरों को अपने विश्वास समाचार को सुने। प्रत्येक अपने धर्म में को खुश रहने का अधिकार है, यह मुस्लिम धर्म कहता है। अब हिंदू धर्म क्या कहता है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को गीता का यह गुप्त समाचार, सुसमाचार कभी भी किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जिसमें तपस्या नहीं है, ना ही उसे जो भक्ति चाहत है, ना ही उसे जो इच्छुक नहीं है, और किसी भी मामले में उसे जो दोष नहीं पाता। मोहे जो मुझे सर्वोच्च को अर्पित करते हैं, मेरे भक्तों के बीच गीता के सबसे गहन सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मेरे पास अकेले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मैंने आपको तीनों कम्युनिटी का बताया। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि लॉर्ड स्पीकर और अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम शॉल नॉट बी यूज एक्सेप्ट After obtaining written permission from the authority, मतलब उन्होंने कहा है कि बिना वजह आप लाउडस्पीकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आपको उसकी परमिशन स्टेट गवर्नमेंट को देनी होगी और वहां की अथॉरिटी को एक लिखित में कंप्लेंट लेनी होगी। अब दूसरा क्या कहते हैं, लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम शॉल नॉट बी यूज नाइट बिटवीन 10 PM to 6 PM एक्सेप्ट इन क्लोज प्रमाइसेस, कम्युनिकेशन विथ एग्जाम्पल ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल एंड बैंक्वेट हॉल। मतलब आप बंद जगह में स्पीकर हल्की आवाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहरी आवाज में सुबह 10 रात में 10 से सुबह 6 बजे तक, मतलब बड़ी बड़ी आवाज जैसे चीजें अलाउड नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक छोटी सी बात है कि इसमें यह भी कहा गया है, दोज हु फेवर द यूज ऑफ लाउड स्पीकर प्लीड दैट इट्स अ डिवोटीज रिलीजियस duty enjoyed by the shastras make other listen and enjoy the singing of bhajans.
अजान्स टू इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म अदर इट इज टाइम फॉर नमाज जॉब असाइन फॉर द मोजिन मॉस्क्यू। मतलब धर्म में ये बहुत सारे धर्म में स्पीकर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो बताते हैं कि अब नमाज का वक्त हो गया, आइए खुदा की इबादत कीजिए मस्जिदों में। ये कुछ डेढ़ मिनट का वक्त लगता है। अगर डेढ़ मिनट के वक्त के माध्यम से देखा जाए, पांच वक्त की जो अजान होती है मुश्किल से हार्डली 10 मिनट पूरे दिन में होती है। और उसके बाद इसमें भजन की भी परमिशन है, लेकिन उसमें भी कम मात्रा डेसिमल पॉइंट में दी गई है। और इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि आप ये अब लाउडस्पीकर निकाल के फेंक दीजिए। कहीं किसी के धर्म को आहत नहीं किया, लेकिन प्रिवेंशन एनवायरमेंट एक्ट के तहत ये कहा गया है कि आपको कोई भी रात को 10 बजे के बाद जैसे बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े लाउडस्पीकर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ जैसे मजहब के लिए, धर्म के लिए, आप सरकार से अनुमति ले सकते हो लिखित में और कम मात्रा में डेसिमल पॉइंट में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग आज इसे अपनी धर्म की आड़ में, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में ये दंगे भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आपको सतर्क रहना है। आप अपनी मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के बाहर, गिरजाघरों के बाहर, चर्च के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, खुफिया कैमरे लगाएं, जिससे कुछ लोग, ऐसे लोग जो दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुसलमानों के भेष में आ रहा है, कोई अदर्स कम्युनिटी के भेष में आ रहा है और दंगे कराने का मकसद है कि माहौल को पूरी तरह चरमरा देना। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी दंगे की अफवाहों पे ध्यान ना दें, पुलिस को सतर्क करें, पुलिस को हमेशा कोऑपरेट करें, सीसीटीवी कैमरे लगाएं। ये जजमेंट अगर मुझसे चाहिए तो मैं नंबर अपना देता हूं, ये जजमेंट कॉपी अपनी फाइल में लगाइए। साथ ही साथ आप अपने ऑफिसेस और अपनी मस्जिद, मंदिर जहां भी है वहां पे पेश कर सकते हैं नोटिस बोर्ड पे। लेकिन दंगाइयों से बचिए। कुछ ऐसे तत्व जो समाज में गलत माहौल से, एक गलत भावनाओं से दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जवाब अपने कलम से देंगे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हमेशा जो प्रतीक रहा है भारत, उससे हम जवाब देंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं और कोई भी आपसे पूछे तुम हिंदू हो या मुसलमान हो तो उनसे ये कहना मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। एक हाथ में आप हिंदू हैं तो गीता रखिए, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन रखिए, एक हाथ में कुरान रखिए, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन रखिए, एक हाथ में बाइबल रखिए, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखिए और उन्हें करारा जवाब दीजिए अपने कलम से।